इतना भी नहीं माता पिता समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों को हम कहाँ तक उनको क्या कहे और क्या न कहे, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। लिमिट के बाहर आप बोलेंगे तो बच्चों पर क्या असर होती है, ये सोचना चाहिए। बिल्कुल नहीं, माताएं भी ऐसा करती है, सब मदर्स भी ऐसा करती है, इतना बोलती है उसका दिमाग आउट हो जाए, इतना बोलती है। हमारे पास इन ई शिविर में ही बच्चे बोलते हैं, लड़कियां बोलती है, लड़के बोलते हैं, लड़कियां माता के मदर के लिए बहुत बोलती है, सारा दिन पीछे पड़ती है। बिचारी पढ़ने को बैठती है तो भी पढ़ने को कहती है मैं जी शांति से पढ़ने नहीं देती है, बराबर पढ़ाई के टाइम में आती है, ये काम कर वो काम कर, ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया। हाँ हमने फिर समझाते गए, तुम बच्चों को भी समझाते कि लड़कियों को समझाते हैं कि तुझे काम तो ज़रूर करना चाहिए, मम्मी को हेल्प करना चाहिए, फर्ज है। लेकिन अगर पढ़ाई के टाइम में ये सब क्लैश होता हो तो उसका कॉम्प्रोमाइज़ करो, बैठ के मम्मी को कहो कि मैं आपका जो भी काम है उसमें से जो मेरे लाए मैं जो कर सकी हूँ, वो मेरे पास जितना समय है घंटा डेढ़ घंटा तो मुझे दो दिन में उतना काम मैं कर दूँगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना काम ख़त्म करने की, जब मेरी पढ़ाई नहीं होगी समय होगा तब मैं ख़त्म कर दूँगी। तो भी ये मदर छोड़ती नहीं, आप ही कर पढ़ाई बाद में कर, पहले ये करने को बात। फिर उसका दिमाग आउट हो जाता है, फिर वो करती नहीं, फिर सड़ जाता है उसका दिमाग। देखो लड़कियाँ ही को हम ही बिगाड़ते हैं, लड़के भी ऐसा ही कहते हैं कि बात बात में हमको गुस्सा करते हैं।